मेरी माटी मेरा देश अभियान, अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में चुनाव अभियान के लिए जारी किया एंथम सॉन्ग, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और आदिवासी भाषाओं का समावेश। कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज भारतीय जनता पार्टी में शामिल, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने दिलाई सदस्यता। और दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की हुई स्क्रूटनी, 2 नवंबर तक वापस ले सकेंगे नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं लीना साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन भी किया। साथ ही उन्होंने देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर देश के हर गांव की पवित्र मिट्टी को नई दिल्ली लाया गया है। उन्होंने कहा कि आज देश को एकजुट करने और समृद्ध करने का संकल्प लेने का समय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ का साक्षी बन रहा है। 12 मार्च 2021 दांडी यात्रा वाला दिन था। 12 मार्च 2021 को गांधी जी की प्रेरणा से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ आजादी का अमृत महोत्सव अब 31 अक्टूबर 2023 आज सरदार साहब की जयंती पर यहां पर उसका समापन है, समापन की पल है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 6 लाख से अधिक गांवों के लाखों युवा मेरी माटी मेरा देश अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश के युवा भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान को व्यापक सफलता मिली है। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,30,000 से अधिक शिला फलकम निर्मित किए गए हैं। इस अभियान के समर्थन में पंच प्राण को दर्शाने वाली लगभग 4 करोड़ सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई है। इस अभियान के तहत देश भर में 2 लाख वीरों का वंदन कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने देश के पहले गृहमंत्री की जयंती पर गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने 160 करोड़ रुपये लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने 5वें आरंभ मॉड्यूल में 98 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित भी किया। एकता नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्शन नहीं होते, उसे सरदार साहब के जीवन, उनके त्याग और एक भारत के निर्माण में उनके योगदान की झलक भी मिलती है। इस प्रतिमा के निर्माण गाथा में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। इसके निर्माण के लिए
देश के कोने कोने से किसानों ने खेती के औजार दिए, लोह पुरुष की प्रतिमा के लिए लोहा दिया, देश के कोने कोने से मिट्टी लाकर यहां वॉल ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ। ये कितनी बड़ी प्रेरणा है। इसी प्रेरणा से ओत प्रोत करोड़ों की संख्या में देशवासी इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। लाखों लोग देश भर में रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं। एकता के लिए दौड़, लाखों लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए इसका हिस्सा बन रहे हैं। जब हम देश में एकता का ये प्रवाह देखते हैं, जब 140 करोड़ भारतीयों में एकजुटता के ये भाव देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सरदार साहब के आदर्श ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प बनकर हमारे भीतर दौड़ रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के समक्ष सीआरपीएफ महिला बाइक जत्थे के डेयर डेविल प्रदर्शन, बीएसएफ के महिला पाइप बैंड, गुजरात महिला पुलिस की नृत्य प्रस्तुति, नेशनल कैडेट कोर की विशेष प्रस्तुति, स्कूल बैंड के प्रदर्शन, भारतीय वायुसेना की फ्लाइट पास्ट और जीवंत गांवों की आर्थिक व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस इस बार सोशल मीडिया के सहारे चुनाव प्रचार में जुटी है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशभाव ठाकरे परिसर में आज भाजपा चुनाव अभियान के एंथम सॉन्ग और अनेक क्रिएटिव कार्यों का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सह प्रभारी नितिन नबीन समेत मीडिया विभाग से जुड़े तमाम नेता और इसके निर्माण से जुड़े तमाम सदस्य मौजूद रहे। एंथम की लॉन्चिंग के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बताया कि 13 सदस्यों ने मिलकर इस एंथम और क्रिएटिव ऑडियो वीडियो को तैयार किया है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ से जुड़े अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। कि बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, हमने बनाया और हम ही संवारेंगे इस छत्तीसगढ़ के लिए। जनता के बीच इस चुनाव अभियान में जा रहे हैं और इस क्रिएटिव्स के माध्यम से आपने देखा होगा, हल्बी हो, गोंडी हो और छत्तीसगढ़ी हो, अन्य भाषा में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम होगा और बहुत अच्छा मेहनत इस पे किया गया है। सरकार की सारी असफलताओं को चिन्हांकित करके जिसको अब जनता बच्चा बच्चा छत्तीसगढ़ का जानने लगा है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा असर आम आदमी को होगा। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी एंथम की तारीफ करते हुए इसे जन जन तक पहुंचाने की बात कहते हुए आगामी चुनाव में जीत का दावा किया है। हमारे नौजवानों तक, हमारे ग्रामीण लड़के लड़कियों तक पहुंचेगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और कांग्रेस सरकार का अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट, खसोट, डकैती, ये पहुंचेगी और छत्तीसगढ़ को बनाने और छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए जनता को क्या करना चाहिए इसके माध्यम से पहुंचेगा। लोगों को सांस्कृतिक दृष्टि से पहुंचेगा तो लोगों में इंटरेस्ट आएगा और वो बीजेपी के पक्ष में वातावरण बनेगा। बताया गया कि इस एंथम को हिंदी, छत्तीसगढ़ी और आदिवासी भाषाओं में तैयार किया गया है। इसके माध्यम से पार्टी अपनी बात लोगों तक पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आदिवासी समाज के योद्धा का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि तिलका मांझी का योगदान अविस्मरणीय है। तिलका मांझी भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले पहाड़िया समुदाय के वीर आदिवासी थे। 1771 से 1784 में उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबी और कभी ना समर्पण करने वाली लड़ाई लड़ी। वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो सांथल समुदाय के पहले आदिवासी नेता थे। आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है। इसी भारत भूमि पर महान
तिलका मांझी ने अन्याय के खिलाफ बिंगुल फूका था। इसी धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 106वें संस्करण में आदिवासी योद्धाओं को याद किया। विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेज बिलासपुर के छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। कॉलेज के विद्यार्थियों ने गांधी चौक एवं लाल बहादुर शास्त्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में रैली निकालकर पोस्टर एवं स्लोगन के माध्यम से मतदान के महत्व को बताया गया। इस दौरान अपने सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो जैसे नारों का वाचन कर जागरूकता का संदेश भी दिया गया। अभियान में बड़ी संख्या में महाविद्यालय और महाविद्यालयों के बच्चे शामिल हुए। राजभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई। इस अवसर पर सरदार पटेल के व्यक्तित्व पर बोलते हुए राज्यपाल ने उनके सभी पहलुओं को याद करते हुए उनके योगदान को याद किया। राज्यपाल ने कहा कि आजादी के बाद सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री थे। उन्होंने देश के छोटे बड़े लगभग 500 से अधिक रियासतों को एकीकरण की मजबूती कार्य करते हुए भारत को मजबूती दिलाई। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव विधिक सलाहकार उप सचिव सहित राजभवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग की लोगों से अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धमतरी में एक आम सभा को संबोधित किया, जिसमें जिले के तीनों विधानसभा सिहावा कुरुद और धमतरी के प्रत्याशी शामिल हुए। इस आम सभा में देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने जनता को बहुत लूटा है, शराबबंदी को लेकर जनता से झूठे वादे किए। उन्होंने जनता से अपील की है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंके तथा भाजपा को भारी बहुमत से जिताना है तथा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाए। भारत में शराब में घोटाला होता था, इसलिए होलोग्राम आया। क्या बोल के आया था होलोग्राम? बोले होलोग्राम तो नोट जैसा है, जैसे नोट डुप्लीकेट नहीं बनती वैसा होलोग्राम है। ये लग गया तो नकली शराब नहीं बनेगी, सारा का सारा पैसा ये राज्य की तिजोरी में आएगा। लेकिन बघेल जी तो इतने मास्टर निकले, इन्होंने नकली होलोग्राम ही तैयार कर दिया। मानो नकली नोट तैयार हो गई और गंदी शराब, घटिया शराब, ये शराब पर होलोग्राम लग गया और सरकारी शराब बना बना के उसको बेच दी। पैसा सरकार के खजाने में नहीं आया। अरे लोगों को तो शराब के नाम पर जहर पिलाया और जहर का सारा पैसा ये कांग्रेसियों के तिजोरी में चला गया। ये शराब का घोटाला करने वाले घोटालेबाज हो गए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए खैरागढ़, डोंगरगढ़ और साझा विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि खैरागढ़ से उनका पुराना नाता है, रानी पद्मावती से इंदिरा गांधी का करीबी रिश्ता रहा है। इस रिश्ते को कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने निभाने का प्रयास किया है और खैरागढ़ को नवीन जिले की सौगात मिली है। इस दौरान उन्होंने 200 यूनिट बिजली मुफ्त, रसोई गैस में 500 रुपए की सब्सिडी सहित महिला समूह का कर्ज माफ करने का वादा भी किया है। मैं बता दी हूँ आपको, जानते कितनी घोषणाएं की है उन्होंने, इनकी सरकार ने बताइए कितनी घोषणाएं की होंगी, 100,000 कितनी की होंगी? 22,000 घोषणाएं की होंगी, 22,000 घोषणाएं की है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आधी भी पूरी नहीं होंगी। और यहाँ आपकी सरकार उपचुनाव में घोषणा हुई कि आपका जिला बनेगा, नतीजे निकलने के 2-3 दिन बाद बन गया। जहाँ 22,000 घोषणाएं इन्होंने की, 220 घोटाले किए हैं, 250 महीनों की या हफ्तों की सरकार है, 220 इन्होंने घोटाले कर डाले, हर चीज में घोटाले।
यहाँ पे आपको जो सरकार मिल रही है वो दिन रात आपके लिए काम कर रही है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। बघेल जी के साथ मैंने काम किया, उत्तर प्रदेश में प्रभारी थे कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया, और मैंने देखा कि किस तरह से दिन रात आपके लिए काम हो रहा है, चाहे वो हिमाचल में हो, उत्तर प्रदेश में हो। चिंता आपकी है कि मैं क्या करूंगा, किस तरह से मैं महिलाओं को आगे बढ़ाऊंगा। गर्व से कहते हैं कि दीदी हमारे यहाँ महिलाएं सबसे ज्यादा सक्षम है। इस दौरान जनसभा को प्रदेश के मंत्री रविंद्र चौबे और ताम्रध्वज साहू ने भी संबोधित किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फिर आएंगे उसके पास 138। बिजली बिल आधा पूरा किया वादा, छत्तीसगढ़ सरकार यानी भरोसा। ले देख ले, विज्ञापन दिखावा थे बिजली बिल ला आधा करे के, बिजली बिल के तो पता नहीं फिर बिजली ला जरूर आधा कर दिस, कतका धोखेबाज है ना ये कांग्रेस सरकार हा। बस अब हमन आओ ये सरकार के बहकावा मन नहीं आवन, आओ नहीं सही वो बदल के रही वो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चिंतामणि टिकट कटने से नाराज थे और उनके भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने चिंतामणि महाराज को भाजपा प्रवेश कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिंतामणि की घर वापसी हुई है, पूरी पार्टी उनका स्वागत करती है। कोई ना कोई पीड़ा रही होगी मन में, इसलिए बाहर गए होंगे, लेकिन आज हम सबको प्रसन्नता है कि हमारे कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता जिन्होंने इस क्षेत्र में पार्टी को खड़ा किया, वो आज हम सबके सहयोग से वापस हमारे साथ आए। मैं बहुत तहे दिल से, नहीं पूरी पार्टी तहे दिल से इनका स्वागत। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद चिंतामणि महाराज ने कहा कि किस कारण से मेरा टिकट काटा गया इसकी जानकारी नहीं दी गई। ये मेरे को भी समझ में आया नहीं कि ये किस कारण से ये टिकट कटा, क्या मैं विधानसभा में ठीक से काम नहीं कर पाया या क्या बात है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मेरे ज़िले में, बलरामपुर ज़िले में 2.5 विधानसभा है, तो उसको अगर एक प्रकार से मानेंगे तो मोटा मोटी 3 विधानसभा मान लेते हैं, प्रतापपुर का कुछ हिस्सा है। हमारे बलरामपुर ज़िले में 3 आदिवासी विधायक हैं और 3 को एक सिरे से नकार दिया गया। बताया गया है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और चिंतामणि के बीच लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर समझौता हुआ है, यही वजह है कि उन्होंने आज भाजपा की सदस्यता ली। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण और शत प्रतिशत मतदान संपन्न कराने को लेकर पुलिस पूरी तरह से चौकस है। कोरबा पुलिस भी इसी कड़ी में लगातार गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई कर लोगों में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान करने का संदेश दे रही है। कोरबा के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस आम लोगों को संदेश दे रही है कि वे भयमुक्त होकर बिना किसी लालच और डर के अपना मताधिकार का प्रयोग करें। श्री शुक्ला ने बताया कि भयमुक्त माहौल में मतदान करना पुलिस का सबसे बड़ा कर्तव्य है, इसी मंशा से पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। लोकतंत्र में पावर ही मतदान है, और अगर मतदान कम होता है तो अच्छे कैंडिडेट और अच्छी सरकारें चुनने में उससे समस्या आती है, इसलिए न सिर्फ निर्वाचन आयोग बल्कि प्रशासन के सभी अंगों द्वारा ये कोशिश की जाती है कि मतदान 100% तक हो जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। उसी के तहत पुलिस ने भी प्रयास किया है स्वीप कार्यक्रम के तहत कि पब्लिक बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले और मैक्सिमम मतदान करे, जिससे कि उनके जो लोकतंत्र में सहभागिता वो अच्छे तरीके से सुनिश्चित।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है, जिसे लेकर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से अब तक 38 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक की अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें 10 करोड़ 11 लाख रुपए की नगद राशि भी शामिल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी के दौरान 30,840 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 90,87,532 रुपए है। सघन जांच अभियान के दौरान 14,82,76,000 रुपए कीमत के 184 किलोग्राम से अधिक कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत 9,50,00,000 रुपए से अधिक है, उसे भी जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये कांग्रेस सरकार है, गांव के अस्पताल बंद नहीं करती, ते आज हमले ये दिन देखेला नहीं पड़ती। बस अब आओ नहीं, आओ नहीं सही बो, बदल के रही बो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था और सरकार में आने के बाद 20 लाख किसानों की कर्ज माफी का दावा भी किया, लेकिन इसके बाद भी पिछले 5 साल से लगातार कर्ज माफी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसी वादों और दावों की पड़ताल दूरदर्शन समाचार ने की। दूरदर्शन संवाददाता ने अभनपुर विधानसभा के सारखी गांव की जमीनी हकीकत की पड़ताल की। किसानों ने कर्ज माफी को लेकर अलग अलग बातें कही। आइए इस रिपोर्ट से जानते हैं क्या है कर्ज माफी की पूरी कहानी। सारखी गांव के नरोत्तम साहू प्रेमचंद की साहित्य गोदान के नायक सरीखे बन गए हैं। सारखी गांव छत्तीसगढ़ के अभनपुर विधानसभा में पड़ता है। नरोत्तम की 5 एकड़ की खेती है। राज्य में कर्ज माफी की घोषणा ने जोर क्या पकड़ा। नरोत्तम पीएनबी से लोन लेकर ट्रैक्टर के मालिक बन बैठे। राज्य में केसीसी किसानों का कर्जा तो माफ हुआ, लेकिन नरोत्तम जैसे लाखों किसान कर्ज माफी से महरूम रह गए। अब जिंदगी है कि तिल तिल कर बीत रही है। सरकार कांग्रेस की सरकार घोषणा की थी पूर्व में और अभी भी और कर रहे हैं, लेकिन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का तो कर्ज माफ हुआ, लेकिन और अन्य बैंकों का कर्ज माफ नहीं हुआ। वो जो नाम बोलते हैं हम जिस टाइम कर्ज किसका कर्ज माफ किया, इनमें से किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ है। आपने कहा हम कैबिनेट की बैठक में प्रथम बैठक में ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आपने कर्जा माफ किया, लेकिन कौन से किसानों का कर्जा माफ किया? आप उन किसानों का कर्जा माफ किए जो किसान लगातार सोसाइटियों में खाद खरीदी करते हैं और उससे ऋण निकालते हैं। दरअसल भूपेश बघेल सरकार ने जिस चालाकी से किसान कर्ज माफी कहा, उसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज को शामिल ही नहीं किया, केवल सहकारी और केसीसी कर्ज को शामिल किया गया। अर्थशास्त्र के जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए कर्ज की 3 योजनाएं हैं, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक कर्ज के जरिए राज्य सरकार ने प्रति किसान करीब 21,433 रुपए का कर्ज माफ किया, जो कुल मिलाकर 9,270 करोड़ रुपए होता है। कर्ज माफी का ढोल पीटने वाली भूपेश सरकार भूल गई कि राज्य में 35 लाख किसान हैं, जिनमें 23 लाख पंजीकृत हैं। राज्य में कुल 16 लाख किसानों का ही अल्पकालिक कर्ज माफ हुआ।
इसे कहते हैं सियासत। जिस किसान और कर्ज माफी के दम पर भूपेश बघेल सत्ता पाने में सफल हुए, उन्हीं किसानों को वो भूल गए। बड़ा सवाल है कि आखिर ये किसानों का कैसा आर्थिक सशक्तिकरण है। हमने कर्ज माफी भी की, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया, किसानों के में अब वो संपन्नता आने लगी है। और अब फिर से हम लोगों ने कर्ज माफी इसलिए किया है कि आर्थिक रूप से मजबूत हो हमारा किसान, इसलिए हमने किया। बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी कहते हैं भूपेश सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। सरकार किसानों का सहकारी कर्जा भी माफ नहीं कर पाई है। अल्पकालीन ऋण ही माफ किया इन्होंने, जबकि इनका वायदा था छत्तीसगढ़ के जो घोषणा पत्र इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने बनाया था उसमें था कि किसानों का हम संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो छत्तीसगढ़ राज्य पहले से ही 1,18,000 करोड़ रुपए के कर्ज से लदा है। नया कर्ज माफी इसे और कर्ज में ले जाएगा। सरकार सत्ता सुख की आस में कर्ज माफी का पाखंड रच रही है। ऋण माफी के ऊपर यही उनका कहना है कि 2018 में जिस पैटर्न में हम ऋण माफी किए थे उसी पैटर्न में ऋण माफी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्पकालीन ऋण ही माफ होगा, या प्राइवेट संस्थाओं से या साहूकारों से या अन्य वित्तीय संस्थाओं से जो किसान लोन लिए हैं वह माफ नहीं होगा। कर्ज माफी में जो छूट गए उनकी नैया कौन पार करेगा, ये तो किसान ही पूछ रहे हैं। अब चुनाव सामने है तो एक बार फिर कर्ज माफी का ऐलान है। अब देखना है कि इस बार किसान सरकार के पैतरे को कितना समझ पाते हैं। छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी की सियासत पर एक शायर की रचना है, जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है, दरकर तो तेरा इम्तहान बाकी है, वो जो सूखी मेरों पर उदास बैठे हैं उन्हीं की आंखों में अब तक ईमान बाकी है, बादलों अब तो बरस जाओ सूखी जमीनों पर, किसी का मकान गिर भी है किसी का लगान बाकी है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।